नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी। जो लोग खुश रहते हैं उनकी समस्याएं बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों कितनी बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो क्रूर ग्रह हैं, कभी कभी आपकी कुंडली में उनका प्रवेश हो जाता है और आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आपका बहुत अच्छा चलता हुआ कारोबार या नौकरी या फिर आपका जो भी धंधा बिजनेस है वो धीरे से डाउन हो जाता है, और डाउन होते ही साथ तक डाउन होता है कि आप संभल ही नहीं पाते। तो दोस्तों अचानक जब आपके जीवन में इस टाइप की समस्या आए तो आप तुरंत समझ जाए, जैसे राहु है केतु है ये दोनों ग्रह बहुत ही क्रूर हैं, ये ग्रह जिसके ऊपर रुष्ट हो जाए दोस्तों उसको राजा को भी भिखारी बना देते हैं, और जिसके ऊपर खुश हो जाए उस व्यक्ति को धनवान बना देते हैं। इनका दिन है दोस्तों शनिवार रविवार और मंगलवार, ये तीन दिन में आप इनका ये उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सिंपल है और इनके खुश होने मात्र से आपकी गाड़ी अपने आप पटरी पे आने लग जाएगी। सबसे पहले दोस्तों अगर राहु आपको परेशान कर रहा है तो आप शनिवार रविवार या मंगलवार जिस दिन भी ये क्रिया करें उस दिन सबसे पहले नीले रंग के कपड़े पहने। दूसरा, आप नीले रंग के कपड़े का दान करें या किसी भी पेड़ पे छोटा सा टुकड़ा डाल दें, कोई भी छोटा मोटा पेड़ हो उस पे डाल दें। दूसरा, मैंने पहले बताया आप शनिवार को भी कर सकते हैं और रविवार को भी कर सकते हैं, दोनों दिन में से मंगलवार को भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे उस दिन करें। नीले कपड़े का मैंने बता दिया है आपको, कोई भी एक नीले कलर का कपड़ा पहने शनिवार रविवार मंगलवार या फिर जिस दिन आप ये क्रिया करें उस दिन, तीन दिन में से कोई भी दिन। दूसरा, आप माचिस की डब्बी ले लेंगे, उसमें से पांच माचिस की तिल्ली, क्या करना है माचिस की पांच तिल्ली उसमें से निकाल लें, जिनको काड़ी बोलते हैं, जो सीके होती है माचिस में, वो जिसमें उसका जो बारूद है वो पूरी तरह लगा हुआ हो। माचिस की काड़ी कहीं से भी क्रैक नहीं होनी चाहिए साबुत, और जो बारूद है उसका वो भी बहुत अच्छे से लगा होना चाहिए। ऐसी पांच तिल्ली आप छांट लें, सुबह नहा धो के स्वच्छ हो, स्वच्छ हो के आप नीले कलर का कोई भी एक वस्त्र पहने और माचिस की तिल्ली अपने हाथ में ले, और आपको एक एक काड़ी या फिर पांच काड़ी पहले कहीं निकाल के वो सीखें रख लें, और एक सीख उठाएं और आप अपनी पॉकेट में या तो किसी कागज में या प्लास्टिक की थैली में रखें अपने हाथ पे, ओम राहवे नमः ये मंत्र बोलें। कौन सा मंत्र? ओम राहवे नमः हाथ पे रखें, उसके बाद पांचों तिल्ली को आप एक एक करके उठाएं और हर तिल्ली उठाते समय आप मंत्र बोलें, उसके बाद किसी प्लास्टिक की थैली में या कागज में फोल्ड करके आप अपनी जेब में रखें सुबह, और आप अपने काम धंधे से निकल जाए। पूरे दिन आपको काम करना है, जब आप शाम को अपने घर वापस लौटे उस समय वो माचिस की तिल्ली घर पे आने के बाद उसको अग्नि में जला, बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके राहु आपके ऊपर खुश हो जाएंगे और खुश होने के साथ ही आपके जितने भी कामकाज बिगड़ रहे हैं
वो सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे और आपको हर काम में सफलता मिलेगी और धन का आपके यहाँ अटम लगने लग जाएगा। दोस्तों हर जगह आपको सफलता मिलेगी, तो करते रहिए। इसको समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।